एनसीपी की चयन समिति की आज अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर करने और शरद पवार को अध्यक्ष बनाए रखने के दो प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। शरद पवार ने खुद कहा था कि वे चयन समिति के फैसले से सहमत होंगे, लेकिन चयन समिति के फैसले के बाद शरद पवार इन्होंने फैसले पर विचार करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद उपराजधानी नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा वापस लेने की मांग की गई। ये निर्णय लेने के लिए वो समिति ने एक मत से शरद पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए अनुरोध किया है और कार्य अध्यक्ष पद पर नकार दिया है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत हर्ष का, खुशी का अवसर है और हमें उम्मीद है शरद पवार साहब ये बात को हमारी समिति की मांग जो है मंजूर करेंगे। बहुत अलग अलग प्रदेशों से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ पार्टी की शाखा है, सभी तरफ से पवार साहब के ऊपर जबरदस्त दबाव है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद 2024 के चुनाव तक अपने पास रखें। दोन दिवसाआधी ज्या प्रकारे पवार साहेबांनी आमचे दैवत, युवकांचे दैवत, आमचे मार्गदर्शक पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीने राजीनामा दिला, आज समितीने राजीनाम्याला अस्वीकृत केलेला आहे, राजीनामा फेटाळून लावलेला आहे आणि पवार साहेबांना पुन्हा विनंती केलेली आहे की पुनश्च विचार करावा आणि पवार साहेबच आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पाहिजे, सर्व युवकांची अशी मागणी आहे। म्हणून आज आम्ही सर्व युवक मंडळीने इकडे आज आम्ही मागणी केलेली आहे, इकडे आम्ही प्रदर्शन केलेलं आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की पवार साहेब आमची जी भावना आहे त्या भावनेला आग्रह करून, विनंतीला आग्रह करून पवार साहेब हा पदावर राहणार आहे अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे।